चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के अम्बेडकर चौक और आप देखेंगे कि यहाँ पर विनोद भाटी जो कि प्रतला के जनसेवक हैं वो पहुँचे माल्यार्पण करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर। और आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि अब उनके दौरे हैं पूरे प्रतला विधानसभा क्षेत्र, हर गाँव में जनसंपर्क अभियान के दौरान चलेंगे। जब आप माल्यार्पण करेंगे आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं दोस्तों, आप सबसे एक अनुरोध कि कृपया कार्यक्रम शेयर जरूर करें, आप सभी को अगर कार्यक्रम अच्छा लगे। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। चलिए दोस्तों, जय 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 भीम के नारे उन्होंने लगाए और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है उन वही आगे भी चल करके लोगों को न्याय दिलाने का काम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। थोड़ा आगे आ जाते भट्ट साहब, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जो पीछे आ जाएंगे पीछे प्रतिमा भी आ जाएगी। बाबा साहब की प्रतिमा माल्यार्पण के आशीर्वाद लिया है। विनोद जी आज यहाँ पर क्या शुरुआत की है? हमने विधानसभा पृथला में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पिछला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से हम टिकट लेकर जनता के बीच में जाएंगे और कमल खिलाने का काम करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए हमें 36 बिरादरी सब समाज का सम्मान करने का अधिकार है। मैं एक शिक्षित नौजवान होने के नाते अपनी विधानसभा में हर समाज का, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, हर समाज को हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसी मेरी समझ है, ऐसी मेरी सोच है। आज मैंने विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाया है तो शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को माल्यार्पण करने के साथ की है, क्योंकि भीमराव साहब अम्बेडकर हमारे पूरे देश की धरोहर हैं, पूरे देश का सम्मान है। हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी का संदेश था, शिक्षित बनो, संघर्षशील बनो, संगठित बनो। उनके उपदेशों पर चलकर जो सीख उन्होंने दी थी कि आपके पैरों में चप्पल हो या न हो, आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। हमें अपनी पिछला विधानसभा के हर समाज को सम्मान देना है तो आज इस मुहिम में आज मैंने बाबा साहब को सम्मान करने के बाद हर समाज के लिए सम्मान करूंगा। आज पिछला क्षेत्र के सबसे पहले 13 गाँवों में दौरा है और हर दिन पिछला क्षेत्र गाँवों में जाएंगे हम। हर SC चौपाल पर, जाटव चौपाल पर, वाल्मीकि चौपाल पर, सभी चौपालों पर जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बड़े सुंदर चित्र बाबा साहब के, वाल्मीकि जी के, सबको वहाँ वितरित करेंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। मैं तस्वीर ले आऊँ और इस तरीके से एक संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में, एक संदेश जाएगा नेता नगरी के बीच में, एक संदेश जाएगा हमारी उभरती हुई पॉलिटिक्स के बीच में कि राजनीति एक पहल करने का माध्यम है, समाज सुधार करने का माध्यम है और राजनीति माध्यम है सबको चेताने का कि हमें हर समाज का सम्मान करना चाहिए। नेता की कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, उसके लिए सभी समाज सम्मान होते हैं। तो आज विधानसभा चुनाव की शुरुआत करने के साथ साथ मैं बाबा साहब का ये चित्र आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इन चित्रों को अब वाल्मीकि जी का लियाओ, इन चित्रों को हम चौपालों पर वितरित करेंगे, जो बुजुर्ग वहां मिलेंगे उनका पगड़ी बांधकर सम्मान करेंगे। इससे एक मैसेज जाएगा कि हर समाज को हम चाहते हैं, हर समाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा मेरी सोच। भाटी साहब, प्रतला विधानसभा क्षेत्र में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं भाजपा पार्टी के लिए, इतना कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं देता। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथ 104 गांवों की जाटव समिति के प्रधान हमारे माननीय रघुवीर जी,
हमारे उनके महासचिव श्री राजवीर जी, हमारे बुजुर्गवार बहुत से नौजवान साथी राहुल सरपंच हीरापुर से, हमारे दूधौला सरदारी विक्रम जी, धर्मेंद्र जी, हमारे बहुत सरदार यहाँ हैं हमारे समाजों के। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी और की मेहनत से मतलब नहीं है, मैं रात दिन एक करना के इस मैसेज देना चाहता हूँ। अगर मुझे सभी समाज मिलकर विधानसभा चुनाव का मौका देते हैं, मुझे चंडीगढ़ पहुँचाते हैं, तो विनोद भाटी के जीवन की एक एक मिनट सब समाजों के लिए, सबके लिए हमारी एक समय दिया जाएगा। पूरी समर्पित रहूंगा ताकि हर समाज की सेवा कर सके। माल्यार्पण करने का कोई मुख्य उद्देश्य आपका? बल्लभगढ़ हमारा एक सेंटर पॉइंट है, हमारा बाजार समझ लो, शहर समझ लो, और बाबा साहब अम्बेडकर चौक जी का ये हमारा जो स्टैचू है बहुत सम्मानित है। यहाँ से एक मैसेज जाता है तो पूरे क्षेत्र में मैसेज फैलता है। ये सोचती कि हर समाज तक ये मैसेज जाए, ऐसी सोच के साथ में बात। लेकिन पिछला विधानसभा में अभी तक कमल नहीं खिला है, तो कैसे खिलाएंगे कमल, कैसे खिलाएंगे बताओ? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। बताना चाहता हूँ पिछला विधानसभा में कमल खिलकर रहेगा। जिस तरीके से सेंटर में आज बीजेपी सरकार है, हमारे स्टेट में बीजेपी सरकार है, सेंटर की बदौलत साथ के साथ यहाँ भी सरकार आएगी, और मैं अपने कृष्ण पाल जी का दूत होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का दूत होने के नाते, एक ऐसी पार्टी जिसने भारत रत्न का सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को दिया, एक ऐसी पार्टी जिसने 36 बरादरी सर्व समाज का सम्मान किया, मैं उसका एक दूत हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ रात दिन 24 घंटे इतनी मेहनत करेंगे, हर समाज में मेहनत करेंगे ताकि बीजेपी का झंडा ऊंचा जाए, हर समाज का झंडा ऊंचा जाए, और हम पृथ्वी में कमल 100 के 100 अपनी मेहनत से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कृष्ण पाल जी के विकास कार्यों से, उनके संदेशों के लोगों को अवगत करा के कमल खिलाने का काम करेंगे। प्रधान जी खिलेगा कमल इस बार में? खिलेगा जी, पिछली बार जमानत जब्त हो जाएगी? सबसे पहले तो मैं आप सब न्यूज वालों को धन्यवाद देता हूँ। हमें मुझे पता लगा कि हमारे जो भाटी जी हैं समाज के प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और हमें रात हमें खबर मिली क्योंकि बाबा साहब हमारे बाबा साहब दलितों के महिषा थे और भारतीय संविधान के निर्माता थे, तो हम बगैर बुलाए हमारे बाबा साहब का इन्होंने माला से जो सम्मान किया है, हम उसको धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और जो पहल है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, भाई साहब बरादरी अनेक है फिर भी सब हम एक है। जय भीम, जय भाई।